हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम स्वदेशी एंड बैकवर्ड मूवमेंट का ही थर्ड पार्ट है ये। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन, मतलब किन किन लोगों ने स्वदेशी एंड बैकवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, एंड ऑल इंडिया एस्पेक्ट कि इंडिया में इसका क्या सिग्निफिकेंस रहा, वो सब पढ़ेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन, जो स्वदेशी एंड बायोकट मूवमेंट था, इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में स्कूलों से बाहर आए, कॉलेजेस से बाहर आए, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया और प्रैक्टिस किया स्वदेशी, मतलब कि विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया और जो स्वदेशी चीज़ें थी उन्हें यूज़ करना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया, वो शॉप्स, वो दुकान सभी दुकानें जहाँ पे विदेशी चीज़ें बेची जाती थी, वहाँ पे बाहर बैठ के पिकेटिंग स्टार्ट की, मतलब धरना देना स्टार्ट किया, उन्हें वो चीज़ें बेचने नहीं दी। जो पुलिस थे उन्होंने बहुत ही रिप्रेसिव एटीट्यूड अपनाया टूवर्ड्स दी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की तरफ उनका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। स्कूल्स एंड कॉलेजेस जिनके स्टूडेंट्स जो हैं इस स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्हें कहा गया कि या तो बच्चों को जो है बाहर निकाल दिया जाए, या फिर उनकी एफिलिएशन, उन स्कूल्स एंड कॉलेजेस की एफिलिएशन उनसे छीन ली जाएगी, उनकी ग्रांट्स जो है उनसे छीन ली जाएगी, और जितने भी प्रिविलेजेस उन स्कूल्स एंड कॉलेजेस को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए हैं वो छीन लिए जाएंगे। स्टूडेंट्स जो हैं जो कि पार्टिसिपेशन के लिए गिल्टी बाद में पाए गए, उन्हें डिसक्वालीफाई किया गया फर्दर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। उनके साथ बहुत ही रिप्रेसिव जो हैं वो सारे मेथड्स एडॉप्ट किए गए, एंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स उन्हें नहीं दी गई, और उन पे फाइन लगा, उनको कॉलेज या स्कूल से निकाल दिया, कुछ को अरेस्ट किया, कुछ के साथ मारपीट की। इस तरह से जो है ये सारे एक्शंस जो हैं स्टूडेंट्स के अगेंस्ट लिए गए। जब हम मास पार्टिसिपेशन करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि स्टूडेंट्स ने कितना पार्टिसिपेट किया और उन्हें क्या क्या सब झेलना पड़ा। सेकेंड आती है वुमेन। वुमेन जो है जिन्हें ट्रेडिशनली होम सेंटर्ड माना जाता था, मतलब माना जाता था कि वुमेन जो हैं वो सिर्फ गृहस्थी ही संभाल सकती हैं, ऐसा पहले माना जाता था। लेकिन इस मूवमेंट में इन्हीं वुमेन ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, स्पेशली जो कि अर्बन, मतलब शहरों की मिडिल क्लास वुमेन थी, उन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया, एक्टिव पार्ट लिया पिकेटिंग में, प्रोसेशंस में, एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दे वर टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द नेशनल मूवमेंट। सो अब से वो नेशनल मूवमेंट में एक सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले करेंगी आगे को। मतलब जो अब हम इनिशियली पढ़ते हैं कि वुमेन ने कब रोल मेन रोल जो है नेशनल मूवमेंट में करना स्टार्ट किया, तो वो आता है स्वदेशी एंड बायोकट मूवमेंट। ये तो हमने पढ़ा फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड वुमेन, थर्ड आते हैं मुस्लिम्स। कुछ मुस्लिम्स जो थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, जैसे कि बैरिस्टर अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन, गुजनवी, मौलाना आज़ाद, इन सब ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। बट मोस्ट ऑफ द अपर एंड मिडिल क्लास मुस्लिम्स स्टेड अवे। लेकिन जो अपर एंड मिडिल क्लास मुस्लिम्स थे ज़्यादातर वो इस मूवमेंट से दूर ही रहे। लेड बाय सलीमुल्लाह ऑफ ढाका सपोर्टेड द पार्टीशन ऑन द प्ली दैट इट वुड गिव देम अ मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट बंगाल। जो अर्बन मिडिल क्लासेस थी मुस्लिम्स की, वो इससे दूर रहे क्योंकि वो लोग सोचते थे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जब होगा, पहली बात तो वो पार्टीशन को सपोर्ट करते थे मुस्लिम्स, दूसरी चीज़ ये वो सोचते थे कि मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट बंगाल उन्हें मिलेगा, ठीक है, जिसकी कैपिटल ढाका होगी, तो उन्हें एक अलग सा देश एक तरह से मिल रहा है, स्टेट नहीं, वो खुद को देश समझते थे कि हमें अलग देश मिल रहा है, राइट। तो उन्होंने इस मूवमेंट में ज़्यादा खास पार्टिसिपेट नहीं किया। दस सोशल बेस जो था मूवमेंट का वो बहुत पेंड हुआ, इसमें जमींदार्स आए, स्टूडेंट्स आए, वुमेन आए, लोअर मिडिल क्लासेस, सिटीज एंड टाउन्स के लोग आए। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस मूवमेंट का एक्सटेंड कितना था। सेकंड है जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, ये 1907 में बनी। ये बनी एज एन एंटी कांग्रेस फ्रंट, मतलब कांग्रेस के ऑपोजिट थी ये, अगेंस्ट थी कांग्रेस की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1907। वैसे हम 1906 में पढ़ते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, एंड इसमें कुछ रिएक्शनरी एलिमेंट्स थे जैसे कि नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, राइट। ये हमने पढ़ा मास, एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन हमने पढ़ा कि मास पार्टिसिपेशन कितना एक्सपेंड हुआ। नेक्स्ट आता है ऑल इंडिया एस्पेक्ट। अब हम पढ़ेंगे ऑल इंडिया एस्पेक्ट के बारे में। मूवमेंट चले बंगाल की यूनिटी के सपोर्ट में,
राइट एंड स्वदेशी एंड बायोकट एग्रीटेशन बहुत फैला इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज. लोकमान्य तिलक जिन्होंने एक लीडिंग रोल शुरू से ही प्ले किया था इस मूवमेंट में आउटसाइड बंगाल, राइट, तो उन्होंने इस मूवमेंट में एक नई चीज़ देखी. उन्होंने फील किया कि नेशनलिज्म जो है वो बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, और एक नेशनल मूवमेंट, ये जो हिस्ट्री रही नेशनल मूवमेंट की, उसमें एक उन्होंने न्यू चैप्टर जो है वो डिस्कवर किया, राइट. उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें जो मास स्ट्रगल है, जो लोगों का स्ट्रगल है, उन्हें हम ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं कंट्री को यूनाइट करने के लिए और कंट्री को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करवाने के लिए, राइट. सो नेक्स्ट आता है एनुलमेंट ऑफ पार्टीशन. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये. सो हमने पढ़ा कि 16 अक्टूबर 1905 को फाइनली जो है वो पार्टीशन हुआ, लेकिन एनुलमेंट का मतलब है कैंसिल. पार्टीशन कब कैंसिल हुआ? पार्टीशन जो है वो 1911 में बिल्कुल कैंसिल हो गया था, मेनली टू कर्ब द मीनियंस एंड रेवोल्यूशनरी टेररिज्म. मतलब रेवोल्यूशन, क्रांतिकारी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, आतंकवाद बढ़ रहा था, लोगों में दुख बहुत फैल गया था, तो उस चीज़ को कम करने के लिए इस पार्टीशन को 1911 में कैंसिल किया गया, राइट. और जब कैंसिल किया गया ये एनुलमेंट, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल की जब एनुलमेंट हुई, तो ये बहुत ही धक्का लगा मुस्लिम पॉलिटिकल इलाइट को, मुस्लिम्स को, क्योंकि वो तो अपने माइंड में इस चीज़ को लेकर बैठे थे कि अब हमें अलग सा देश मिलेगा. और ये डिसाइड किया गया कि कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर दी जाएगी दिल्ली में, ताकि मुस्लिम्स को एक तरह से दिलासा दिलाया जा सके, क्योंकि मुस्लिम जो थे, मुस्लिम्स के ग्लोरी के साथ जो दिल्ली थी वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी. इसीलिए कैपिटल जो है वो कोलकाता से दिल्ली तक शिफ्ट करने के लिए कहा गया, बट मुस्लिम्स इस बात से खुश नहीं थे. वो तो अलग देश ही चाहते थे शुरू से, तो वो खुश नहीं थे. देन बिहार एंड उड़ीसा जो है उन्हें बंगाल से अलग किया गया. असम जो है पहले बंगाल में आता था, उसे सेपरेट प्रोविंस बनाया गया. सो इस तरह से ये सब मेजर्स हैं जो हम स्वदेशी मूवमेंट में पढ़ते हैं. सो आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, 1911 में ये डिसीजन लिया गया था कि कैपिटल दिल्ली जाएगी कोलकाता से, लेकिन एक्चुअल में 1912 में गई थी दिल्ली, और जो न्यू दिल्ली कैपिटल है जो आज की डेट में है, वो 1931 में हमारी कैपिटल बनी इंडिया की, राइट. सो हमने ये पढ़ा स्वदेशी मूवमेंट में मास पार्टिसिपेशन कैसा रहा, लोगों का एस्पेक्ट क्या था, इंडिया में क्या सिग्निफिकेंस रहा. सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा इवेल्युएशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इन केस यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, इट मे बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू देम, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग. थैंक यू ऑल, बाय बाय.